पर्पल न्यूज की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। कल यानी राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को जबरन पास करा लिया गया। लोकसभा में वो पहले ही पास हो चुका था, लेकिन उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से कड़े प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं वो देश की एक दूसरी तस्वीर को भी पेश कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के आईपीएस ऑफिसर ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि धर्म के आधार पर नागरिकता संशोधन बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये असंवैधानिक बिल का मैं विरोध करता हूं और 21 साल मैंने आईपीएस के तौर पर महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं दी हैं, उससे मैं अब किनारा करता हूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि नागरिकता संशोधन बिल के पास होते ही एक आईपीएस ऑफिसर जो कि मुस्लिम है, मैं बात कर रही हूं अब्दुल रहमान की, जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और बीते 21 सालों से महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे। मैं अपनी बात रखूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान ने बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल की 2019 राज्यसभा में पास होने के विरोध में अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता असंवैधानिक नागरिकता विधेयक के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए मैं अपनी सेवा से इस्तीफा देने का फैसला कर रहा हूं। बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। मुंबई में विशेष पुलिस के रूप में तैनात अब्दुल रहमान ने अपना बयान जारी कर कहा कि यह वह गुरुवार यानी आज से कार्यालय नहीं जाएंगे। अब्दुल रहमान ने कहा कि यह विधेयक भारत को धार्मिक बहुलवाद के खिलाफ है। मैं सभी न्यायप्रति लोगों से अनुरोध करता हूं कि वह लोकतंत्र के तरीके से विधेयक का विरोध करें। यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। एक ट्वीट के जरिए अब्दुल रहमान ने लिखा कि वे वीआरएस की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि वीआरएस के लिए 1 अगस्त 2019 को आवेदन किया था। 25 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मेरे वीआरएस की सिफारिश भेजी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ विभागीय जाँच भी लंबित नहीं है। गृह मंत्रालय ने जल्दबाजी में वीआरएस के आवेदन को रद्द कर दिया है। हालांकि सूत्रों का कहना यह है कि अब्दुल रहमान के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। वो पहले भी वीआरएस के लिए आवेदन दे चुके हैं। अब्दुल रहमान ने अपने आवेदन के अंदर लिखा था कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने बिल को लेकर कहा है कि वह स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है। बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, कानून की समानता के अधिकार के खिलाफ है। विधायक के पीछे का पूरा विचार देश के धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना है। यह मुस्लिम समुदाय को संबंधित लोगों को डर पैदा करने के लिए बनाया गया है। यह मुसलमानों में विश्वास तोड़ने और नागरिकता को बचाने के लिए अपने धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर कराएगा। भारतीय पुलिस सेवा के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी अब्दुल रहमान पिछले 21 सालों से राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैं गरीब परिवार से आने वाला एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिमों से अपील करता हूँ कि लोकतंत्र के तरीकों से बिल का विरोध करें। इसके अलावा इंसाफ पसंद धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं भाइयों से भी अपील करता हूं कि वो बिल का विरोध करें। इसके अलावा मैं कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी अपील करता हूं कि वो बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम समेत पूर्वोत्तर में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच संसद में बुधवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा में बुधवार को लंबी बहस के बाद इस विधेयक को पारित करा लिया गया। सदन में विधेयक के समेत भेजे गए विपक्ष प्रस्ताव और संशोधन को खारिज करते हुए 125 मतों को छोड़ते हुए 105 मतों के खिलाफ इस विधेयक को पास करा दिया गया है। तो आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट जिसमें अब्दुल रहमान ने नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद इस्तीफा दे दिया और ट्वीट में करते हुए लिखा है कि हर मुसलमान को संविधान की दायरों में रहते हुए अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। सिर्फ विरोध ही नहीं, सरकार को बताना चाहिए कि ये जो नागरिकता संशोधन बिल को सरकार लेके आई है वो पूरी तरह से गलत है और देश के टुकड़े हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ
मुसलमानों के से ही नहीं, उन्होंने पूरे भारत से, हर नागरिक से, हर तबके के लोगों से अनुरोध किया है कि बड़ी संख्या में इस बिल का विरोध करें। और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं से भी अपील की है कि जो हिंदू देश में शांति की अपील चाहता है, शांत भारत को देखना चाहता है, वो नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करे। उसी के साथ साथ उन्होंने सभी वकीलों, उन तमाम जो कि वकील और तमाम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी ये कहा है कि आप सभी को इतना पिटीशन दायर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में सोच में आ जाना चाहिए कि नागरिकता संशोधन बिल कितना खतरनाक बिल है, जिसके चलते देश के टुकड़े हो जाएंगे, देश को टू नेशन थ्योरी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बांट देगी। और इसके जितने भयावह दृश्यों के बारे में हम सोचें वो कम होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कल जिस तरह से इतिहास के झूठे पन्नों को लेकर आपके सामने परोस रही थी, उन पन्नों को अगर आप खुद अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का तथ्यों से कोई लेना नहीं है। वो खुद की गढ़ी हुई बातों पर बहस करते हैं और देश का सत्यानाश करने पर तुले हैं। हम तमाम इसी तरह की खबरों को आपके सामने लाते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।